अपन इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन 7, 8, 9 एंड 10 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इज 7 एंड 22nd टर्म इज 149। हमें सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स निकालना है। कॉमन डिफरेंस गिवन है 7 और 22nd टर्म गिवन है 149। तो पहले इसमें से हम a और n निकालने की कोशिश करते हैं। a 22 है, इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस 21d। 22nd टर्म का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस 21 इंटू कॉमन डिफरेंस, दैट इज 149। a हमें पता नहीं है 21, d हमें गिवन है 7, दैट इज 149। a प्लस ये हो जाएगा 149। A equals to 149 minus 147, that is 2। तो हमें A पता चल गया कि A 2 है और D 7 है, ठीक है। N हमें given है 22, तो sum of 22 terms, N upon 2, that is 22 upon 2, 2A, A है 2, plus N minus 1, 22 minus 1 into D is 7। 2 से 11 टाइम में कैंसिल, दैट इज 11। 2 इंटू 2 4, 22 माइनस 1 21, 21 इंटू 7 11, 4 प्लस ये 147, 11 इंटू 151 को अगर आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1661। तो सम ऑफ 22 टर्म्स हुआ 1661। आई होप समझ में आ गया होगा। मैं स्टेप वाइज इसलिए करता हूँ क्योंकि बहुत लोग पूछते हैं आप स्टेप स्किप कर जाते हैं, इसलिए मैं हर स्टेप को करता हूँ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें सम ऑफ 51 टर्म्स कैलकुलेट करना है। सेकंड टर्म 14 गिवन है। सेकंड टर्म मीन्स व्हाट, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस 14 है, इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। और थर्ड टर्म गिवन है 18, a3 इज 18, मींस a प्लस 2d इज 18, इसको मैं सेकंड एज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करके हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, फिर हमारा काम हो जाएगा। तो लिखिए a प्लस d 14 है, यहाँ पे रख दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे इन दोनों को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, तो ये a और ये कैंसिल हो जाएंगे। 2d माइनस d, d 18 माइनस 14 4, तो d 4 हो गया। अब इस d की वैल्यू को चाहे आप 1 में रख दिए चाहे 2 में, वहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस d की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट। फर्स्ट है a प्लस d इक्वल्स टू 14, a प्लस 4 इक्वल्स टू 14, तो यहाँ से a क्या आ गया, 14 माइनस 4 दैट इज 10। ए 10 है, कॉमन डिफरेंस 4 है और हमें निकालना है एस 51। एस 51 मीन्स 51 अपॉन 2, 2 ए, 2 इंटू ए 10, प्लस एन माइनस 1 दैट इज 51 माइनस 1 इंटू डी, डी इज 4। 51 अपॉन 2, 20 प्लस 50 इंटू 4, 20 प्लस 200 दैट इज 51 अपॉन 2 इंटू 220। 2 से ये 110 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 51 को 110 से मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 5610। तो सम ऑफ 51 टर्म्स इज इक्वल्स टू 5610। क्वेश्चन 9, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म गिवन है 49, ठीक है, और सम ऑफ 17 टर्म, फर्स्ट 17 टर्म गिवन है 289। हमें कैलकुलेट करना है सम ऑफ एन टर्म। सम ऑफ 7 टर्म्स का मतलब क्या हुआ, 7 अपॉन 2, 2 इंटू ए
प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49। 7 से ये 7 टाइम में कैंसिल हो गया, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं आप। तो ये 2a प्लस 6d, 7 इंटू 2 14, 2 पूरे में कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं आप। a प्लस 3d इक्वल टू 14, इस 2 से ये 14 कैंसिल हो गया 7 टाइम में, तो a प्लस 3d इज इक्वल टू 17, 7 इसको मैं फर्स्ट एज्यूम कर रहा हूँ। अब आते हैं इस पे S17 पे। S17 मीन्स 17 अपॉन 2, 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 289। तो 17 से 17 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। 2a प्लस 16d इक्वल्स टू 2 इंटू 17, 2 कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, a प्लस 8d इक्वल्स टू 2 इंटू 17, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8d इक्वल्स टू 17। तब हमारे पास दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल भी है, तो हम a और d की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो निकालते हैं। a प्लस 8d ये है और a प्लस 3d, इसको मैं सेकेंड एज्यूम कर रहा हूँ। a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7, दोनों को माइनस करते हैं, माइनस 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 ये कैंसिल, 8d माइनस 3d 5d, 17 माइनस 7 दैट इज 10, तो d इक्वल्स टू 10 अपॉन 5 दैट इज 2, तो कॉमन डिफरेंस 2 है। अब इस d की वैल्यू को किसी में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, मैं a में सब्स्टिट्यूट करके यहाँ से a की वैल्यू निकालूंगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन फर्स्ट, इन फर्स्ट फर्स्ट है a प्लस 3d, a प्लस 3d, d मतलब 2 आया है, इक्वल्स टू 7, तो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6 दैट इज 1, तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें निकालना है सम ऑफ n टर्म्स। n टर्म मीन्स n अपॉन 2, 2a, a है 1 प्लस n माइनस 1 और d है 2, n अपॉन 2, 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 कैंसिल, 2n इंटू n, 2n स्क्वायर अपॉन 2, 2 कैंसिल दैट इज n स्क्वायर, तो सम ऑफ n टर्म्स होगा n स्क्वायर। क्वेश्चन 10, सो दैट a1 a2 .. an फॉर्म एन ap वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। फर्स्ट पार्ट है an इक्वल टू 3 प्लस 4n, nth टर्म फर्स्ट पार्ट में गिवन है 3 प्लस 4n, हमें शो करना है कि a1 a2 an जो वो ap फॉर्म करेगा। nth टर्म गिवन है तो हम निकालते हैं फर्स्ट a1 टर्म, 3 प्लस 4 इंटू 1 दैट इज 7, a2 निकालते हैं, 3 प्लस जहाँ n है वहाँ 2 रख देंगे, 4 इंटू 2 8 इन प्लस 3 दैट इज 11, a3 3 प्लस 4 इंटू 3 दैट इज 15, ठीक है, तो 7 11 15 सो ठीक है। फर्स्ट निकालते हैं हम a2 माइनस a1, 11 माइनस 7 4, a3 माइनस a2 15 माइनस 11 4, तो हम देख रहे हैं कि ये इक्वल है, मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ap में, सिंस आप चाहें तो एक टर्म और निकाल सकते हैं, ज़रूरत नहीं थी मैं तीन टर्म निकाले, सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर a1 a2 .. an आर इन ap, ये तो फर्स्ट पार्ट था। साथ में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालने हैं, ईच केस में सम ऑफ 15 टर्म्स, तो निकाल लीजिए पहले 15 अपॉन 2, 2a फर्स्ट टर्म क्या है 7 प्लस n माइनस 1 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस 4 है, तो 15 अपॉन 2 14 प्लस 14 इंटू 4, 15 अपॉन 2 56 प्लस 70 हो गया, ये 2 से ये 35 टाइम्स में कैंसिल होगा, दैट इज 35 इंटू 15, अब इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 35 को 15 से।
मल्टीप्लाई करने पे 525 आएगा, फर्स्ट पार्ट आ गया। अब आप सेकेंड पार्ट पे में एन एच टर्म गिवन है 9 - 5n, तो पहले निकालते हैं इसके फर्स्ट फोर टर्म। a1 9 - 5 × 1 तो 9 - 5 दैट इज 4। a2 9 - 5 × 2 दैट इज -1। a3 9 - 5 × 3 दैट इज -6। a4 9 - 5 × 4 दैट इज -11। देखते हैं क्या AP में है ये। तो पहले हम निकालते हैं a2 - a1, -1 - 4 दैट इज -5। a3 - a2 -6 - -1, -6 + 1 दैट इज -5। a4 - a3 -11 + 6 -6, -+ दैट इज -5। तो ये सारे इक्वल हैं, मतलब डिफरेंस जो है वो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ये AP में है। सिंस a2 - a1 इज इक्वल्स टू a3 - a2 इज इक्वल्स टू a4 - a3, देयरफॉर a1 a2 ... an आर इन AP। ठीक है, साथ में हमें सम ऑफ 15 टर्म्स भी निकालने हैं, तो निकालिए एस 15 15/2 2a फर्स्ट टर्म है 4 प्लस 15 - 1 और कॉमन डिफरेंस है -5। 15/2 4 × 2 = 8 हो गया प्लस 15 - 1 14 14 × -5 -17। तो 15/2 × 8 - 17 -62, 2 से ये -31 31 टाइम में कैंसिल, दैट इज -31 × 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 465 आएगा। ये हो गया। किसी भी पार्ट में कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछे, यू विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर जरूर कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।